हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग चलाने वाले हैं कालका मेल, जो कि हम लोग ले जाने वाले हैं अंबाला कैंट से। और एक बार मैं रूट चेक कर लेता हूँ, अपने को इसको ले जाना है अंबाला कैंट से, यहाँ से पिक करना है पैसेंजर को, और उसके बाद जाएंगे हम लोग दापर स्टेशन। और अभी टाइम जो हो रहा है वो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 2:07, मतलब रात हो रही है। बेसिकली रात के वक्त हम ले जाने वाले हैं अपनी कालका मेल, और ये रात में ही चलती है इधर से अंबाला छावनी कैंट से। और अपने को यहाँ इसको ले जाना है अंबाला से दापर स्टेशन और दापर से चाट जंक्शन, तो 3 स्टेशन तक अपने को लेके जाना है। उसके बाद फिर से इसका लोको पायलट चेंज होगा और उसको दूसरा बंदा लेके जाएगा। तो ये ट्रेन का मैं आपको रूट बता देता हूँ, ये बेसिकली चलती है कालका से, आपका ये जाती है हावड़ा तक, मतलब कि वेस्ट बंगाल तक। बट हम इसको ले जाने वाले गाइस 3 स्टेशन तक, तो फटाफट हम चालू करते हैं अपनी जर्नी को। और अपने को अराइवल करना है 2:22 पे, मतलब कि हमारे पास 20 का टाइम है दापर जंक्शन पहुँचने के लिए, दापर स्टेशन पहुँचने के लिए। तो फटाफट गाइस हम हॉन्क देते हैं, यहाँ पे गेट्स में खोल देता हूँ, बिकॉज पैसेंजर्स वगैरह जो भी चढ़ने वगैरह होंगे वो चढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैं गेट्स खोल देता हूँ और हॉन्क वगैरह बेल वगैरह मैं दे देता हूँ अच्छे से। और गाइस ये गेम प्ले एकदम रिकॉर्ड हो रहा है 4K क्वालिटी में, क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप लोग वीडियो करना लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और ऐसे ही ऑसम और क्वालिटी वाला कंटेंट आता रहेगा चैनल पे। तो फटाफट जर्नी चालू करते हैं, बिकॉज आई थिंक सो अपना डिपार्चर का टाइम हो गया यहाँ से। तो मैं एक और लास्ट हॉन्क दे देता हूँ, बाय द वे भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं तो हम चढ़ने देते हैं यहाँ पे, देखो ये लोड हो रहे हैं पैसेंजर अभी, तो एक बार लोड होने देते हैं। हेलो लोगो पायलट, टुडे यू विल बी हॉलिंग लेजेंडरी ट्रेन फॉर्मली नोन एज कालका मेल, पिकअप पैसेंजर एंड डिपार्ट एट 2:05 पे। डिपार्ट करना था अपने को अंबाला कैंट से, बट 4 लेट हो गए हम। इन व्यू ऑफ द स्टार्ट लोकोमोटिव फॉलो द स्पीड लिमिट एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 110 किलोमीटर पर आवर, मतलब 110 से ऊपर नहीं जाना है अपने गाइस। तो ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 110 से ऊपर नहीं जाना है। चलो कोई बात नहीं, 110 से ऊपर तो नहीं जाएंगे हम, वो हम ध्यान रखेंगे। और अभी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड देना चालू कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक्स कर देते हम लोग रिलीज फटाफट, और अभी मस्त वाला जो है डिपार्चर देखेंगे हम गाइस। आप देखो ये मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अभी आप डिपार्चर देखो गाइस, खतरनाक वाला डिपार्चर करा जाए चालू। तो चालू करने से पहले एक बार क्वालिटी को मैक्स कर रही है, और फुल स्क्रीन कर लो डिवाइस को, तभी आपको मैक्स मज़ा आएगा। और यहाँ पे वेट कोई तो Web 7 के साथ एक और ट्रेन जो है वो छोड़ रही है अंबाला स्टेशन को, तो आई थिंक सो एक पैरेलल रन होने वाला है अपने स्टेन के साथ। यहाँ पे मैं थ्रॉटल पावर देता हूँ थोड़ा सा, इससे जो है हमारी ट्रेन धड़कना चालू करे अभी। और भाई साउंड सुनो आप यार एक बार इसका, Web 7 का खतरनाक वाला साउंड। यहाँ पे कालका मेल बाय द वे धड़कना चालू कर चुकी है अभी हमारी अंबाला कैंट से। एक बार हमारा पूरा डिपार्चर खत्म हो जाएगा इस, फिर हम जो है ध्यान देंगे उस पर पैरेलल रन पे। फिलहाल अभी हम पैरेलल रन पे ध्यान नहीं देते, हमारा पूरा फोकस रहेगा डिपार्चर के ऊपर अभी। चलो गाइस एक मस्त वाला डिपार्चर अभी आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे सीधा ट्रेन में।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो छोड़ चुकी है अम्बाला जंक्शन को, और यहाँ पे मैं फटाफट आ जाता हूँ। आई थिंक जो स्पीड लिमिट हम थोड़ा सा तोड़ रहे हैं अभी, बिकॉज 20 की स्पीड लिमिट है और हम चला रहे हैं अभी 50 के आसपास। थोड़ा सा मैं स्लो कर लेता हूँ अभी फिलहाल। ओके परफेक्ट, यहाँ पे एक बढ़िया सा एक और डिपार्चर लेते हैं हम, बिकॉज बढ़िया सी क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पे, तो लेट्स एक मस्त वाला डिपार्चर लेते हैं यहाँ से भी। ये देखो गाइस, कालका मेल बढ़ती हुई यहाँ पे दापर स्टेशन की तरफ, और रात के 2 बज रहे हैं अभी, और आपको पता ही है कि रात में जो है अपने को वो मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है ट्रेन को, बिकॉज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तो अच्छी खासी स्पीड से चलने वाली है जब भी कालका मेल। जर्नी एकदम धमाकेदार होने वाली है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ आप लोग। अभी गाइस पकड़ा जाए कि अपनी ट्रेन को, और ये लो भाई निकल गया लास्ट बॉगी भी यहां पे। ओहो, यहां पे फिलहाल क्रॉसिंग हो रही है गाइस कोई तो सुपर फास्ट ट्रेन के साथ, और यहाँ पे हम गार्ड व्यू गार्ड वाले उसमें हैं, तो कोई तो सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो अपने को क्रॉस कर रही है अभी। एक मस्त वाली वो होती हुई हमारी क्रॉसिंग, फिलहाल 60 की स्पीड लिमिट दे दी है और मैं जो है 6% थ्रॉटल पावर दे देता हूँ। थोड़ा सा गाइस पीछे आ जाते हैं अभी, राइट, तो ज्यादा आगे रहने का मतलब नहीं है। ये देखो गाइस, तो ये वाली ट्रेन के साथ हमारी जो है क्रॉसिंग हो रही थी बढ़िया वाली फिलहाल, जो कि हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया अभी इस ट्रेन को। रात का वक्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और उसके साथ ही मस्त नाइट वाली जर्नी कर रहे हैं हम लोग। बाय द वे क्वालिटी देखो आप लोग, और कमेंट करके बताना भाई क्वालिटी कैसे लग रही है। वैसे रात का समय है तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। ये देखो गाइस क्वालिटी एकदम रियलिस्टिक तरीके से खड़े हुए हम लोग बाहर। बाय द वे गेट सब खुले हुए हैं, और फिलहाल हम आउटर पे हैं। 20 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है अपने को दापर स्टेशन की तरफ, और स्ट्रिक्टली बोला गया अपने को कि स्पीड लिमिट्स फॉलो करनी है, बट यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि अब स्पीड लिमिट अपने को 140 की मिलने वाली है, बट तब भी अपने को बोला है कि 110 पे ही चलाना है अपने को ट्रेन, तो स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करेंगे गाइस। बाय द वे यहाँ पे वैग 9 के साथ कोई तो मालगाड़ी है, क्या है, डबल वैग 9 के साथ एक टैंकर फ्लाइट ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं हम लोग अभी। बाय द वे मस्त कर्व पे जा चुकी है बाय द वे अपनी ट्रेन अभी। ये देखो भाई, और टैंकर ट्रेन के साथ यहाँ पे पीछे मालगाड़ी के भी वो है बॉगीज। कोई नहीं भाई, अभी फिलहाल हम मस्त कर्व पे हैं अभी, और 140 की स्पीड लिमिट है, थोड़ा सा और भगाना चालू करते हैं अभी। ये देखिए गाइस क्या ही मस्त लग रही है भाई ट्रेन, एकदम जबरदस्त शानदार। फिलहाल अभी सीधी हो चुकी है हमारी ट्रेन, तो अभी हम जो है एक तो बढ़िया वाली क्रॉसिंग ले लेते हैं, बिकॉज आगे फिर टाइम मिले ना मिले, क्योंकि 18-20 किलोमीटर ही है दापर स्टेशन, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं अपने को। मैं आ जाता हूँ फटाफट यहाँ पे। ओहो भाई, एक और ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होती हुई हमारी अभी। ये देखो गाइस, डबल ट्रेन की क्रॉसिंग यहाँ पे, और कोई पैसेंजर ट्रेन आई थिंक जो हमारे जो लेफ्ट साइड में है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है भाई ये भी सुपर फास्ट ट्रेन ही है कोई, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मैं कौन सी ट्रेन है, बट है कोई सुपर फास्ट ही, बट ये स्लो डाउन कर रही है आई थिंक सो, आउटर पे इसको रोका गया है, पता नहीं शायद उसको वो नहीं दिया होगा मैसेज, पर ठीक है अपने को है पैसेज तो हम मंगाएंगे अभी फिलहाल।
ये देखिए भाई, अरे वेब 7 की लाइट एकदम दूर तक जा रही है अभी, हम थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं। अपने को थोड़ा और ना बेटर व्यू मिलेगा, बिकॉज नाइट जर्नी है तो मजा जो है ना दुगना होने वाला है वो नाइट जर्नी की वजह से। भाई अभी कोई ब्रिज आ रहा है गाइस, तो ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, अभी तैयार रहिए ब्रिज क्रॉसिंग के लिए। मैं थोड़ा सा ये भी चालू रखता हूँ बिकॉज कभी किधर पे भी कुछ भी हो सकता है अभी। और अभी एक मस्त वाली हम क्रॉसिंग लेते हैं गाइस, एज ऑलवेज जो कि हम लेते हैं। ये देखो भाई काल का मेल यहां पे वेब 7 के साथ भागती हुई। फिलहाल थ्रॉटल मैंने 100% दे दिया है इसको। क्रॉसिंग देखो यार आप, क्या ही जबरदस्त। और यहां पे कोई जो स्टेशन क्रॉस कर रही है ये मेन लाइन से, भाई क्या ही खतरनाक तरीके से पास कर रही है अभी। और ज़रा मैं वो भी चेक कर लेता हूँ कि जो है स्टेशन वगैरह कोई मतलब वो ऐसा आ नहीं रहा ना जहाँ पे स्पीड लिमिट कम करनी हो। अपने को बाय द वे मैं थ्रॉटल जीरो कर देता हूँ भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही तेज चल रहे हैं हम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इतना तेज भी नहीं चल रहा, अपने को थोड़ा सा लिमिट में चलेंगे। 13 किलोमीटर और रह गए दापर स्टेशन अभी। मैंने आपको बोला था कि देखो जो रात टाइम की जर्नी है ना हमारी, तो ऑब्वियसली अपने को क्लियर पैसेज मिलने वाला है पूरा, क्योंकि रात में उतना तो ट्रैफिक होता ही नहीं है ट्रैक्स पे, रेलवे लाइंस पे एकदम खाली रहती है। उस चक्कर में एकदम क्लियर रूट मिला है अभी अपने को। और थोड़ा सा मैं आपको अभी एसी व्यू या वो पैसेंजर व्यू भी दिखा देता हूँ। फिलहाल हम सीट पे आ जाते हैं। ये देखिए गाइस तो हम आ चुके सीट के अंदर, क्या ही मस्त लाइटिंग वाइटिंग जल रही है बिकॉज रात है, मस्त भाई लाइटिंग वाइटिंग जल रही है यहाँ पे, स्विच बोर्ड वगैरह ये देखो आप, और मस्त तरीके से ट्रैक साउंड के साथ बढ़ती हुई हमारी कार का मेल दापर स्टेशन की तरफ। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर अपने एसी कोच का भी मज़ा लेंगे ना भाई, एसी कोचेस क्यों छोड़ेंगे हम। एसी कोच में आ गए राइट, और इसमें डोर व्यू ही है सिर्फ। ओके परफेक्ट, यहाँ आवा है ना हम एसी व्यू में। ये थर्ड एसी आई थिंक सो, यस थर्ड एसी में आ चुके गाइस हम। देखो डोर वोर सब बंद है और क्या ही मस्त लग रहा है भाई नाइट में जर्नी करते हुए। भाई तो भाई लाइट बंद नहीं करी यार, इन लोगों ने लाइट बंद कर देते ना मज़ा आ जाता भाई, क्योंकि सोने का वक्त हो रहा है यार, 2 बज रहे रात के, और 2 बजे कौन ही जागता है भाई ट्रेन में, सब सो जाते हैं उस टाइम। रात की जर्नी है भाई, कुछ दिख भी नहीं रहा है, आप देखो एकदम सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ, और अभी उसके अंदर है कोच के अंदर भाई, अलग ही मज़ा आ रहा है, फील अलग आ रही है। थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ मैं, देखो 10 किलोमीटर है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है हमारी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास। थोड़ा सा बढ़ाते हैं अभी स्पीड गाइस, और मैं आपको देखो दिखाता हूँ थोड़ा, और कितना घना जंगल है भाई, एकदम घने जंगल के बीच से होके जा रही हमारी कालका मेल, और नदी क्रॉस कर रही है फिलहाल भाई। अल्टीमेट अल्टीमेट मजा है भाई नाइट में जर्नी करने का। ये देखो आप, अल्टीमेट तरीके से बढ़ रही है भाई हमारी ट्रेन। तो फटाफट हम गाइस एक तो क्रॉसिंग और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे अपनी ट्रेन के ऊपर, बिकॉज जो है ना दापर स्टेशन कभी भी अब आ ही सकता है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। फटाफट एक दो क्रॉसिंग लेते हैं और उसके बाद जो है ना अराइव करने ही वाले हम दापर स्टेशन की तरफ। देख रहे हो गाइस
क्या ही सुपरफास्ट ट्रेन बनी हुई हमारी मेल है जबकि ये कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है कालका मेल, ये मेल ट्रेन है उस हिसाब से भाई, मतलब अलग ही तरीके से भाग रही है ये। और ये देखो आप, ये क्रॉसिंग देखिए आप, अल्टीमेट क्रॉसिंग है भाई, रेल रोड क्रॉसिंग है यहाँ पे। सब गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी बाय द वे, ये दो ट्रक्स वगैरह अब जाके खुलेंगे ये। मज़ा आ गया भाई, अब थोड़ा हम आ जाते हैं ट्रेन के पास और थोड़ा लोगों में चलते हैं गाइस, राइट। लोगों के अंदर ये सीन हो रखा है अभी फिलहाल, कुछ पंखा वगैरह चलाने की जरूरत है नहीं बिकॉज ऑलरेडी रात का वक्त है और रात के वक्त वैसे ठंडी होती है, जरूरत है नहीं। यहाँ पे मैं भी जीरो कर देता हूँ थ्रॉटल पावर बिकॉज अभी जरूरत नहीं है। ये देखो गाइस, कालका मेल क्रॉस कर दू यहां पे कोई तो रेल रोड जंक्शन को। अब जो हम स्लो कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा हल्का हल्का मैं ब्रेक्स डालना चालू करता हूं। फिलहाल हम तो क्रॉस कर रहे हैं कोई स्टेशन को, अपना हॉल्ट है नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे वो जरूर है एक मालगाड़ी। हमारी तरफ हमें गार्ड उसमें खड़े हैं तो हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं जहाँ से जो है प्रॉपर व्यू ले सके। ये देखो भाई, क्रॉस कर रहे हैं कोई फ्रेट ट्रेन को यहाँ पे जो कि लगी हुई थी वैग 9 के साथ, आई थिंक वैग 9 ही है ना, यस एक डबल वैग 9 के साथ लगी हुई है यहाँ पे, इंतजार कर रही है अपने सिग्नल का जो कि इसको है नहीं अभी। कोई बात नहीं, फिलहाल हम बढ़ रहे हैं गाइस अपने दापर स्टेशन की तरफ, 4 किलोमीटर और रह गया है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर लिया हूँ इसे ट्रेन को। टोटल पावर 0 है हमारी और स्पीड है 53 किलोमीटर पर आवर। बाय द वे अपने को पहुंचना था जो दापर स्टेशन पर पहुंचना था 2:22 पे, 3 मिनट लेट हुई है, 2 बच्चे सो गए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन पे कवर कर लेंगे हम लोग। 2-4-5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए कवर करना। तो अभी मैं टोटल देना चालू करता हूँ बिकॉज अभी भी दूर है दापर स्टेशन। अभी भी ना थोड़ा सा दूर है, बट इतनी भी नहीं देता हूं मैं, ज्यादा ही दे दी मैंने कुछ, आप 0 कर लेता हूं इसको। एक सेकंड, सेव नहीं करना है मुझे। 3 किलोमीटर और रह गया हमारा दापर स्टेशन अभी। फिलहाल बहुत ज़्यादा नज़दीक है अभी, अब सिर्फ 2 किलोमीटर और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। बाय द वे यहाँ पे क्रॉसिंग देखो आप गाइस, कोई तो सुपरफास्ट ट्रेन LHB कोचेस के साथ क्रॉस कर रही है यहाँ पे हमारी कालका मेल को और ज़बरदस्त क्रॉसिंग देखिए आप। ये लो भाई निकल गए भाई मस्त तरीके से, अभी 2.5 किलोमीटर रह गया यार अभी भी। कोई बात नहीं, हॉर्न वगैरह दे देते हैं ताकि स्टेशन पे अगर कोई ट्रेन या कुछ लग रखा हो वहां पे तो क्लियर कर दे पहले से ही।
और यहाँ पे येलो सिग्नल हो रखा है आगे, तो अभी भी स्लो ही चलेंगे बिकॉज अब कभी भी रेड हो सकता है सिग्नल। अब रेड क्या, अपने को सीधा प्लेटफॉर्म ही मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है अपने को, तो वहाँ पे रेड ही होगा सिग्नल। चलो अभी मैं स्लो कर लेता हूँ उसको। और यहाँ पे हाई स्टिफ स्लोप है हल्का सा ऊपर की ओर, ये देखो गाइज स्पीड गिर रही है हमारी ट्रेन की। और एक और येलो सिग्नल, यहाँ से 1.5 किलोमीटर और रह गया है मात्र, जो है हमारा दापर स्टेशन। तो एक क्रॉसिंग ले ली जाए क्या गाइज, हल्की हल्की वाली मस्त। ये देखो गाइज दापर स्टेशन की तरफ बढ़ती हुई गाइज हमारी ट्रेन कालका मेल, जिसका ट्रेन नंबर है 12312, कालका से हावड़ा तक जाने वाली वाया अंबाला जंक्शन, टुंडला जंक्शन, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर सेंट्रल। और यहाँ पे फिलहाल मस्त तरीके से स्लोली स्लोली बढ़ती हुई दापर स्टेशन की ओर। भी रात के वक्त इसी 2 टियर भी है भाई, इसमें कोई ट्रेन आ रही है क्या? मुझे लगा कोई ट्रेन आ रही है, जैसे थोड़ा सा आगे जा सकते भाई तब क्रॉसिंग के यहाँ पे। ये देखो भाई व्यू और क्वालिटी देखो आप गाइस, कमेंट करके बताना भाई क्वालिटी कैसी लग रही है, 4K आ रही है ना रियलिस्टिक वाली फील? अगर आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। वो जो ट्रेन आ रही है भाई तब अराइव कर रही है क्या, ये भी दापर स्टेशन की तरफ? पता नहीं मुझे, चलो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे अब जो है मैं ब्रेक्स डालना चालू कर देता हूँ बिकॉज अराइव कर रही है हमारी यहाँ पे ट्रेन ऑलरेडी। 18% का ब्रेक्स मैं दे रखा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं हम ट्रेन को अभी, एंड जो है उसके बाद हम रोकना चालू करते हैं अपनी ट्रेन को। ओहो यहाँ पे WDP 4D के साथ कोई जो सुपरफास्ट ट्रेन LHB कोचेस के साथ यहाँ पे क्रॉस कर रही है दापर स्टेशन को, आई थिंक तो उसका हॉल्ट नहीं है यहाँ पे इसीलिए। यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रेक देता हूँ मैं 28% बिकॉज स्लो होना चालू हो, हल्का सा ओवर स्पीड कर रही है हमारी ट्रेन, दैट्स वाई। ये देखो गाइस अभी स्लो नहीं हो रही है और डालना पड़ेगा मुझे ब्रेक्स, 35% पे दे दिया हूँ मैं ब्रेक्स, बढ़ने देते हैं फिलहाल और बिकॉज पूरी ट्रेन आनी चाहिए स्टेशन पे। यहाँ पे अराइव कर रही है गाइज, कितना टाइम हो रहा है 2:31, मतलब 9 मिनट लेट, मतलब 10 मिनट लगा लो आप, 1 मिनट और लगा लो बिकॉज वो लगने में लग जाएंगे 1 मिनट और, तो 10 मिनट लगा लो आप, 10 मिनट लेट है अभी हमारी ट्रेन, बट कवर कर लेंगे हम लोग, डोंट वरी, नेक्स्ट स्टेशन पे कवर कर लेंगे उसको। फिलहाल तो अराइव कर चुके हैं बाय द वे, थोड़ा सा और आई थिंक सो आ ही गई है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी और भी जगह दिख रही है मुझे प्लेटफॉर्म पे, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे अपना हॉल्ट कितने देर के लिए है,
डिपार्चर 2:25 पे करना है, मतलब कि 22, 23, 24, 25 तीन मिनट का हॉल्ट है, तो हम 31 पे पहुँचे, 33 पे निकल जाएंगे यहाँ से। चलो फाइनली मैं ब्रेक देता हूँ और गेट्स खोल देता हूँ अभी मैं। चलो ट्रेन खुल चुकी है, लग चुकी है गाइस। और यहाँ पे कोई तो ट्रेन जो है मेन लाइन से क्रॉस कर रही है, अपनी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, कुछ सुपर फास्ट ट्रेन है आई थिंक सो। ये देखो खतरनाक तरीके से भाई पार करती हुई यहाँ पे हमारी कालका मेल को ओवरटेक कर गई है। और एक सेकंड, मेरा टास्क क्या है अभी, पिकअप द पैसेंजर। गेट्स तो मैंने खोल रखे ऑलरेडी, तो 2:33 पे निकलना भी अपने को। आराम से खड़े हुए भाई, तो प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है यार इसका, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरा ट्रेन आ जाएगी प्लेटफॉर्म पे, बट आ गई यार, काफी अच्छी बात। तो पैसेंजर फ्रॉम दापर स्टेशन अराइव। यार पैसेंजर पिकअप कैसे करूं मैं, टी तो दबा ही रहा हूं, गेट्स ही नहीं खुल रहे हैं अभी, मे बी लेट हो गए हम लोग इसीलिए क्या, बट कोई नहीं यार, ठीक है आई थिंक सो। पानी वानी भरने के लिए पूरी व्यवस्था है इस वाले प्लेटफॉर्म पे। दापर स्टेशन है, दापर है, मैं दापर बोल रहा था देर से, दापर। एक सेकेंड, मस्त जर्नी हो रही है आज नाइट वाली, जो भी कहो आप। ऑलमोस्ट बस टाइम होने वाला है गाइस, 1 मिनट और रुकना है अपने को, उसके बाद बस अपना टाइम हो ही रहा है, निकलेंगे यहाँ से दापर स्टेशन से, उसके बाद एक और लास्ट हॉल्ट है हमारा, एंड देन उसके बाद हो जाएगा इसका लोकोमोटिव चालू, जो कि इसको सॉरी लोको पायलट चेंज, जो कि इसको लेके जाएगा हावड़ा की तरफ। चलो गाइस आई थिंक सो हमारा टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो हॉन्क मैं दे देता हूँ फटाफट। थोड़ा सा लॉन्ग हॉर्न दे रहा हूँ बिकॉज रात का वक्त है, कोई अगर बाहर आर गया हो तो अंदर आ जाए। और यहाँ पे ब्रेक्स कर देते हैं, रिलीज। और अब बढ़ाना चालू करते हैं गाइस अपनी ट्रेन को 9% थ्रॉटल पावर के साथ, यहाँ पे टप्पर स्टेशन को छोड़ती हुई हमारी कालका मेल, जो कि जाती है अपना कालका से हावड़ा की तरफ। और ये हावड़ा शेड का भी वो भी है आई थिंक सो वेब 7, आप देखो HWH लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा होगा हावड़ा। तो चलो बढ़िया से डिपार्चर का मजे लो आप, हौले हौले। ये देखो हावड़ा लिखा हुआ है, 3:02:11 हावड़ा स्टेट का है ये वेब 7, तो मस्त वाला डिपार्चर लो आप। उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपसे दोबारा ट्रेन के अंदर।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे दप्पर स्टेशन को परफेक्टली क्रॉस कर चुकी है हमारी कालका मेल, और इसके बाद अपने को सीधा CHDD जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है। और अपने को स्पीड लिमिट 140 की मिलने वाली है, तो मैं फटाफट थ्रोटल पावर जो है ना 100 को देता हूँ इसको, वेब 7 को, और दिखा दें भाई इसकी पावर। अभी हम CHDD जंक्शन, बेसिकली मुझे लग रहा है चंडीगढ़ जंक्शन है ये, उसका कोड है चंडीगढ़ का, आई थिंक सो। उल्टा जा रही है ये ट्रेन गाइस, हावड़ा से कालका की तरफ जा रही है, यस, क्योंकि हम अंबाला से निकले थे और चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपने को जाना है, करेक्ट, यस। तो हम जा रहे हैं हावड़ा से कालका की ओर, मतलब हावड़ा वेस्ट बंगाल से आ रही है ये ट्रेन। तो ज्यादा जर्नी इसकी बची नहीं है गाइस, बिकॉज जो है ना ये चंडीगढ़ जाएगी, उसके बाद फिर एक और स्टेशन है चंडी मंदिर, और उसके बाद कालका। वो तो खैर अभी पता चली जाएगा कि कहाँ जा रही है, CHDD जंक्शन है कौन सा ये, बिकॉज चंडीगढ़ का कोड जो है ना CDG है। तो अब जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पे एग्जैक्टली, तो अपने को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्टेशन है, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है। तो 20 किलोमीटर का सफर और रह जाता है हमारा यहाँ से, इसको अभी तय करते हैं गति के साथ। रात में पावर दिखा रही भाई कालका मेल, यहाँ पे 100 की स्पीड से भाग रही है, 114 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपको एक मस्त वाली क्रॉसिंग दिखाता हूँ अभी, खंबे ने पूरी बात बिगाड़ दी यार, और स्पीड देखो यार, आप समझ ही गए होगे आप क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ। हवा नहीं लग रही है यार अभी, सीरियसली यार ना क्या ही भाग रही है यार, ये देखो भाई। अलग लेवल भाई, अलग लेवल। ये देखो भाई, चलो फिलहाल हम ट्रेन पकड़ते हैं अपनी, और ठीक ठाक 2 क्रॉसिंग ले लिए ऑलरेडी, जरूरत है नहीं ज्यादा का, ज्यादा लालच पूरी बला होती है, तो हम ट्रेन में आ जाते हैं। पता चला ज्यादा लालच के चक्कर में ट्रेन हमारी पटरी से नीचे आ गई, बिकॉज रात का वक्त है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है रात में होते हैं ट्रेन एक्सीडेंट गाइस, रात में ज्यादा ध्यान देना ज्यादा जरूरी। फिलहाल यहाँ पे 2:42 का टाइम हो चुका है, और मैं एक बार वो देख लेता हूँ, तो चंडीगढ़ पहुंचने का टाइम रहेगा जो है 2:58, मतलब ये 3 बज जाएंगे यार ऑलमोस्ट, सोच रहे हो गाइस रात के 3 बजे, 2-3 बजे, जबकि बहुत खतरनाक टाइम होता ही है, और उस टाइम अभी ट्रेन चला रहे हैं। फिलहाल सही स्पीड पकड़ चुकी है हमारी ट्रेन, अभी 147 प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है, थोड़ा थ्रोटल पावर जो है 70% पे रखता हूँ, 130-120 मेंटेन करते हैं अभी, और आगे जो है वो स्पीड लिमिट कम करती है, बिकॉज जो भी वो ट्रैक चेंज वगैरह ब्रेक देना चालू करता हूँ यहाँ पे, देखा इसीलिए गाइस ट्रैक्स पे काम वगैरह हो रहा होता है रात रात में, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी चक्कर में होता है रात में, बिकॉज सिग्नल दे रखते हैं लोग और एग्जैक्टली इन्फॉर्म नहीं करते हैं यहाँ पे कि आगे ट्रैक चेंज हो सकते हैं, जो भी पहले से ही एडवांस में। बट कोई बात नहीं यार, इतनी भी स्लो नहीं करनी थी मुझे, 36% थ्रोटल पावर के साथ पढ़ सकते हैं अभी भी।
ज्यादा ही स्लो कर दिया यार मैंने, पर आगे वाले सिग्नल से जो है हमारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने वाली है। जो भी रीजन हो आगे पता चली जाएगा अपने को, ट्रैक्स चेंज है या फिर कुछ मेंटेनेंस है ट्रैक्स पे, लेट्स सी। ओके, अभी मैं थ्रॉटल पावर 10% या 8% पे ही रखता हूँ और जो है ना हौले हौले बढ़ते हैं अभी आगे, थोड़ा सा स्लोली स्लोली। भाई तो भाई नज़ारे देखो आप गाइस, 3 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट और शेष है 3 बजने में, और भाई मस्त तरीके से फिलहाल बढ़ रही हमारी ट्रेन कालका मेल। ये देखो गाइस मस्त सी क्रॉसिंग आप लोग के लिए। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है गाइस अपने को कि स्पीड हमारी 20 ऊपर ना क्रॉस कर जाए वहाँ पे, क्योंकि वो आगे वाले जो सिग्नल है ना उधर स्ट्रिक्टली अपने को 20 के अंडर ही चलना है। फिलहाल तो आई थिंक 30 के आसपास होगी जिस हिसाब की मुझे अंदाजा से मैं बता रहा हूँ, 20 या 22 के आसपास होगी हमारी स्पीड। जी हाँ 30, देखो वही बोल रहा हूँ, 30 के आसपास होगी थोड़ा बहुत। यहां से जो है ना स्लो हो जाएगी वो हमारी स्पीड। यस ट्रैक्स चेंज है यहां पे, तो मैं बढ़िया मस्त वाला वो दिखाता हूं आपको व्यू ट्रैक्स चेंज का। ये देखिए गाइस मस्त वाले ट्रैक्स चेंज होते हुए यहां पे, और मजा लीजिए भाई ट्रैक्स चेंज का। इसीलिए यार उन्होंने दे रखी थी बिकॉज ट्रैक्स चेंज था यहाँ पे। अदरवाइज 130-140 किलोमीटर की स्पीड से ये उतर के नीचे आ जाती है अभी तक ट्रेन में। परफेक्ट परफेक्ट क्रॉसिंग यहाँ पे एकदम लिमिट में, स्पीड लिमिट के साथ। और पता नहीं कौन सा स्टेशन है जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, जो भी हो बट अपना हॉल्ट नहीं है यहाँ पे, तो हौले हौले ही क्रॉस करना है अपने को, कुछ हॉल्ट नहीं है गाइस दैट्स व्हाई। ठीक है कोई बात नहीं,
हम हौले हौले क्रॉस करेंगे इस स्टेशन को। बहुत ही छोटा स्टेशन है ये, इसीलिए इसका नाम वगैरह भी दिया नहीं हुआ है। अभी ये जो क्रॉस करेंगे हम लोग स्टेशन, इसके बाद ये अपने को मेन लाइन पे डालेगा, तब फिर अपने को स्पीड मिल जाएगी वापस दोबारा से। अभी अपने को दूसरी लाइन से क्रॉस करा रहे हैं, इसीलिए स्पीड लिमिट वो अपनी डाउन करी थी इन लोगों ने। भाई देखो यार, ICF कोचेस देखो यार, कितने शानदार लग रहे हैं अभी रात के वक्त। हल्का सा डर्ट भी है नीचे साइड, देखोगे आप तो थोड़ा थोड़ा सा जो है आपको डर्ट दिखेगा ICF कोचेस में। और यहाँ पे कोई जो ट्रेन खड़ी हुई है, लेट मी सी कौन सी ट्रेन है ये। कौन सा लोको है ये, WDGM कोई ऐसा करके शायद है ये। एक मिनट देखने दो मुझे कौन सा है ये, कोई वो पुराना वाला ही है आई थिंक, WDGM कुछ ऐसा ही है यार गाइस, याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि कौन सा लोको है ये, इसका नाम भूल गया हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। और ये भाई कोई तो सुपरफास्ट ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे ICF कोचेस के साथ, और हमारे राइट साइड में और हमारे लेफ्ट साइड में जो है एक फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है, मालगाड़ी। चलो फिलहाल हम अपनी ट्रेन पे आ जाते हैं, और अभी भी स्पीड लिमिट जो है वो 20 की ही है, बट 20 ठीक है, मैं थोड़ा सा 6% थ्रोटल पावर देता हूँ, बिकॉज ऐसे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा अपने को। राइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं अभी। और यहां पे खड़ा हुआ है आई थिंक सो WDG40 जो ये पुल कर रहे हैं इस ट्रेन को। और यहां पे मस्त वाला जो है ना आई थिंक सो हमारा वो होगा ट्रैक्स चेंज, इधर से आएगी और इस वाले ट्रैक्स पे जाएगी है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से मस्त वाला जो है ना व्यू लेंगे। इधर से चलो आने देते हैं अपनी ट्रेन को। भाई साहब आ रही है यहाँ पे हमारी ट्रेन कालका मेल, और यहाँ पे ट्रैक्स चेंज होंगे ऑब्वियस सी बात है। इधर से होंगे ये वाले ट्रैक्स से जाएगी उस वाले ट्रैक्स के ऊपर। ये देखिए गाइस, अभी आप लोग मजे लीजिए भाई ट्रैक्स चेंज का और ट्रैक्स चेंज वाले साउंड्स का।
ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे ट्रैक चेंज हो चुके हैं हमारे। पीछे साइड तो भयानक लैग हो रहा है। चलो आई थिंक स्पीड लिमिट 60 की दे दी है अपने को। तो यहाँ पे मैं पावर देता हूँ, थ्रॉटल पावर जो है वो देता हूँ मैं 50% का। और यहाँ पे आ जाते हैं भाई ब्रिज के ऊपर, इधर से मज़े लेंगे भाई ट्रेन के हम। यहां से देखेंगे। क्रॉसिंग साउंड सुनेंगे भाई ब्रिज का, बताना गाइस कैसा लगे लग रहा है आप लोगों को साउंड ब्रिज वाला। परफेक्ट 60 की स्पीड तो यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है बाय द वे हमारी ट्रेन अभी। बट अभी अपने को लिमिट करना है, 60 पे मेंटेन करना है, स्ट्रिक्टली बोला गया है। और 9 किलोमीटर और है चंडीगढ़, जो भी है CHT जंक्शन, आई थिंक तो चंडीगढ़ ही होगा, तो हम लोग अराइव करने वाले हैं उसको। और फिलहाल अपने को स्पीड लिमिट दे दी 140 की, तो अब हम बढ़ाना जो है चालू कर दें ट्रेन को 100% थ्रॉटल पावर के साथ। लेट्स गो। वहां पे देखो वेब 7 के ऊपर जो वायर है स्पार्क मार रहा है हल्का हल्का, क्योंकि अभी पावर ड्रॉ करना चालू करेगा हमारा वेब 7। और आगे स्पीड लिमिट 90 होने वाली है, तो मैं अभी से 23% पे कर लेता हूँ थ्रॉटल को, तो बाद में फिर ज़्यादा स्पीड से स्लो करने में अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ये सेकंड क्लास के कोचेस हैं ये, पहले आई थिंक दो पार्स, एक गार्ड वाला है, दूसरा है पार्सल वैन, उसके बाद दो उसमें हैं जनरल क्लास बोगी, उसके बाद स्लीपर एंड एसी है। और यहाँ पे मस्त वाले घर पे जाती हुई गई हमारी ट्रेन फिलहाल। बाइक किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑलरेडी चल रही है, 90 की स्पीड लिमिट है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम ही चल रहे हैं। एंड 6 किलोमीटर दूर और बचा है हमारा चंडीगढ़ स्टेशन, क्योंकि हम अराइव करने वाले हैं। और यहाँ पे हाई स्टीप स्लोप है, तो थोड़ा सा थोड़ा बहुत दे के रखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज अदरवाइज जो है ना स्पीड डाउन आएगी हमारी, ऊपर साइड स्लोप है इसीलिए। और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, 3 बजने वाला है, 5 मिनट और लगेगा अपने को अराइव करने में ये चंडीगढ़ जंक्शन, ज़्यादा देर नहीं रह गया है। और फिलहाल हम एक लास्ट क्रॉसिंग ले लेते हैं मस्त वाली, क्योंकि कर्व पे हमारी ट्रेन, दैट्स व्हाई। एक कर्व पे तो क्रॉसिंग बनती है भाई। ये लीजिए भाई, कार का मेल पड़ती हुई यहाँ पे चंडीगढ़ जंक्शन की तरफ। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 5 किलोमीटर और रह गए यहाँ से गाइस, तो अब हम ट्रेन पे आ जाते हैं। अब ज्यादा मजाक मस्ती करते नहीं है फिलहाल, अब थोड़ा सा फोकस करते हैं गाइस, क्योंकि अभी और भी ज्यादा आइस स्टीप स्लोप है यहाँ पे।
तो अब अपने को थोड़ा सा स्पीड वगैरह कंट्रोल करनी पड़ेगी ज़्यादा ध्यान से। काफ़ी ऊंचाई पे बना रखा है बाय द वे चंडीगढ़ जंक्शन। मुझे अभी याद आ गया चंडीगढ़ जंक्शन ये, बिकॉज एक बार मैं यहाँ पे कोई तो ट्रेन चला रहा था, मालाबार चला रहा था, कोई तो चला रहा था, तो यहाँ से एक ट्रेन उल्टा भागती हुई आ रही थी पीछे की तरफ। मतलब कितना ही खतरनाक स्लोप है ये जो चंडीगढ़ जंक्शन की तरफ जाता है। और स्पीड देख रहे हो गाइस, 40% थ्रोटल पावर देने के बावजूद भी सीधा गिर के 90 से 62 पे आ चुकी स्पीड हमारी। और समझ सकते हो भाई कितनी ज्यादा पावर खींच रहा है ये स्लोप हमारे वैफ 7 की। 40% बेकार नहीं होता, मुझे लग रहा है 100% ले जाना पड़ेगा मुझे वैफ 7 को। थोड़ा सा और दे देते हैं गाइस पावर, 70-80% हल्का सा खींचने देते हैं अभी। और एक और मस्त कर्व ये देखिए गाइस, और अभी भी हम ऊपर की तरफ ही चढ़ रहे हैं चंडीगढ़ जंक्शन की ओर। एस्टिमेटेड है 3:05 पहुंच जाएंगे, 5 मिनट और लगेगा अपने को। लेट्स सी एग्जैक्टली कितने टाइम पे रोक पाते हैं चंडीगढ़ जंक्शन पे अपनी ट्रेन। फिलहाल हम हॉन्ग करते हुए बैल के साथ बढ़ रहे आगे, और 3 किलोमीटर और बचा है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अभी, क्योंकि जैसे ही जो लैंड है ना वो बराबरी बराबर पे आ जाएगा, लाइक सीधा हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्पीड गेन करेगी, बिकॉज 80% पे ऑलरेडी है हमारा थ्रॉटल, वो तब भी स्पीड अप नहीं कर पा रहा। देख रहे हो गाइस स्पीड डाउन ही जा रही है, मतलब धीरे धीरे जा रही है, लेकिन 50, 49, 49.75 देखो ये देखो। अब इसके बाद ना है अब स्पीड गेन करेगी ट्रेन, बिकॉज अब सीधा हो जाएगा हमारे यहाँ से रेल लाइन, जो मेन लाइन ना सीधी हो जाएगी यहाँ से, जो है अब स्पीड गेन करेगी। अगर पूरी ट्रेन ऊपर आ जाए ना अच्छे से फिर देखो आप। हाँ अभी देखो गाइस अभी बढ़ना चालू हुआ स्पीड, अभी 15 होने वाला ऑलमोस्ट। और आगे जो लिमिट है वो 20 का ही होने वाला है, तो मैं यहाँ पे थ्रॉटल पावर एकदम 0 कर देता हूँ, बिकॉज एकदम से स्पीड पकड़ेगी अभी यहाँ पे ट्रेन। चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक्स दे देता हूँ अभी 20% का, जो कि स्लो करेगा हमारी ट्रेन को। ओके गाइस ऑलमोस्ट अराइव कर चुके हम लोग चंडीगढ़ जंक्शन की ओर। यहाँ पता नहीं कोई तो ट्रेन खड़ी हुई है, एक ट्रेन की दो ट्रेन है यहाँ पे, कोई दो ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, एक खड़ी है WDM 3D के साथ, ब्लू शेड ब्लू कलर का है जो कि WDM 3D, और कोई गरीब रथ एक्सप्रेस है ये WDM 3D के साथ। ये देखो गाइस गरीब रथ एक्सप्रेस, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और प्लस मैं थोड़ा सा और ब्रेक डालता हूँ 30% पे, बिकॉज 20 की स्पीड लिमिट है और हम जा रहे हैं अभी 39-40 के आसपास। थोड़ा सा स्लो करता हूँ मैं, स्पीड के हिसाब से ही चलते हैं गाइस हम लोग। सामने की तरफ आप देख सकते हो, ओहो यहाँ पे ट्रैक्स चेंज, बिकॉज प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने वाली है गाड़ी हमारी, तो मेन लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चेंज हो रहे हैं हमारे ट्रैक्स यहाँ पे।
चंडीगढ़ जंक्शन की ओर। ये देखो गाइस, एक बार और ट्रैक चेंज फिर से। मस्त भाई, मजा आ गया यार। इधर से भी डालेंगे क्या ये? नहीं, आई थिंक सो ये आ गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 आ गया है ये। ओके गाइज, यहाँ पे देखो गाइज, हम लोग ऑलमोस्ट अराइव कर चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3, और मैं ब्रेक्स डालना चालू करता हूँ और 30% पे लेके जाता हूँ उसको। और मेरे लेफ्ट साइड में जो है WGDG 4D के साथ कोई तो टैंकर ट्रेन है जो कि खड़ी हुई है यहाँ पे, और पीछे उसके WDG 4D लगा हुआ है। आई थिंक सो खराब हो गया होगा या फिर दम तोड़ दिया होगा, तो WDM 3D उसको हॉल्ट करके लेके जा रहा है अभी। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस स्टेशन पे, सीरियसली। थोड़ा सा लोको व्यू में आ जाते हैं बिकॉज या फिर यहां पर भी रह सकते हैं हम। थोड़ा सा मैं ब्रेक्स डाउन करता हूँ बिकॉज जो है ना, यहीं पर रुक जाएगी अदरवाइज ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म पे आएगी भी नहीं। लोगों की तरफ ही आ जाता हूँ मैं भी। परफेक्टली लगाना है ना अदरवाइज अपने को, ताकि पूरी फुल आ जाए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चंडीगढ़ जंक्शन पे। तो आ चुकी है बाय द वे, लेकिन अपने को फुल पूरी पूरी लगानी है अभी। थोड़ा सा और देता हूँ, अदरवाइज ये शाम कर देगा सुबह से लगाते लगाते। चलो ऑलमोस्ट मुझे सिग्नल दिख रहा है, और आई थिंक तो ट्रेन की हमारी आ ही चुकी है पूरी, एक दो बॉगीज रह गए तो वो भी आ ही जाएंगे अभी। और हमारे लेफ्ट साइड में एक और सुपरफास्ट ट्रेन खड़ी हुई है ICF कोचेस के साथ, जो कि जा रही होगी आई थिंक सो अम्बाला की तरफ। सामने आप रेड सिग्नल देख सकते हो गाइस, ये देखो, यहीं पे हॉल्ट लेना बस। थोड़ा सा और यहाँ पे थ्रॉटल पावर में कर देता हूँ 0। मैं यहाँ पे मार देता हूँ ब्रेक्स 100%, आज इससे आगे नहीं जाना तुमको। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे जो है हम लोग गेट्स खोल देते हैं। यहाँ पे जो है गाइस, हमारी जर्नी जो है ख़त्म हो जाती है, बिकॉज अभी इधर से 2 स्टेशन और, उसके बाद कालका आ जाएगा। उधर से लोको पायलट तो लोको पायलट यहाँ से चेंज हो जाएगा गाइस। अब अपने को यहाँ पर रेस्ट दे दिया जाएगा चंडीगढ़ पे, और हम लोग जाके एकदम रेलवे हेडक्वार्टर्स में अब जाके सो जाएंगे मस्त तरीके से, कि हमारा काम हो गया। अभी यहाँ तक लेके आना था ट्रेन को, वहाँ तक लेके आ गए हम। अब यहाँ से 2 स्टेशन तक कोई और बंदा इसको लेके जाएगा इस ट्रेन को। जर्नी हमारी हो चुकी है गाइस कंप्लीट। तो आप लोगों को कैसा लगा गाइस वीडियो? ये थोड़ी सी शॉर्ट जर्नी थी कालका मेल की, मतलब शॉर्ट क्या, जितना अपने को दिया गया ड्यूटी उतना ही था हमारा एग्जैक्टली पूरा, जिसमें अपन लोग लाए अम्बाला से चंडीगढ़ की ओर कालका मेल को, वो भी रात के 2 बजे से। और हम लोगों ने इसको ठिकाने लगा दिया है ऑलमोस्ट 3:06, चलो 8 मिनट मान लो,
3:08 में, मतलब कि 2-1.5 घंटे में, 1 या 1.5 घंटे में, 1 या 1.25 घंटा हुआ हुआ, या तो 1 या 1.25 घंटे में हम लोगों ने इसको लगा दिया चंडीगढ़ स्टेशन पे। तो गाइस कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको जर्नी, और भी कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन सी जर्नी मैं कर सकता हूँ। अगर इसमें रूट अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा इसको कोशिश करने का। और कमेंट करके बताना कि क्वालिटी कैसा लगा आपको वीडियो का, प्लस रात का वक्त था तो रात की जर्नी आपको कैसी लगी। एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और आप नए हो बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से करना प्रेस। नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्दी, आई थिंक सो कलिंग उत्कल का हम लोगों ने पहला पार्ट खेला था, शायद नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट क्या है उसकी, तो उसके लिए रहना रेडी एकदम, वो भी जबरदस्त होने वाली, बिकॉज वो शाम को चलने वाली ट्रेन जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ी थी उसको, आई थिंक फरीदाबाद के आगे कोई स्टेशन दवाएंगे ही छोड़ी थी हमने, और उसके बाद सिनेरियो हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो वो हम लोग खेलने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट गेम प्ले के साथ, नेक्स्ट ट्रेन के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना, एंड गुड बाय एंड गुड नाइट।